पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार के दिन हम मैथ्यू के सुसमाचार 23वें अध्याय के 1 से लेकर 12 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ईसा मसीह हमें सावधान होने के लिए कहते हैं। किनसे सावधान होने के लिए? फरीसियों से और शास्त्रियों से, जो कि बहुत ही पाखंडी थे। वो बहुत ही दिखावा करते थे, स्वयं को वो दूसरों से श्रेष्ठ मानते थे, महान मानते थे, पवित्र मानते थे। मूसा के हर नियम का वह पालन करते थे और अहंकार में जीते थे। दूसरों को बहुत ही नीचा मानते थे, नीचा गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन अक्सर उनकी कथनी और करनी में बहुत ही फर्क था। जो वो कहते थे वो नहीं करते थे। दूसरों को सूझ देने के लिए, दूसरों को सीख देने के लिए हमेशा वो आगे आते थे, लेकिन खुद बहुत ही घमंड में जीते थे। बहुत ही दिखावा था उनके जीवन में। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी तरह से गौर करनी है, वो है तीसरा वाक्य। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो। अर्थात वो बहुत ही अच्छी बातें ही कह रहे हैं। वह ईश्वर के वचन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईश्वर का वचन तो हमेशा ही अच्छा है, चाहे वो बुरा व्यक्ति बोले या अच्छा व्यक्ति बोले। कैसे भी व्यक्ति से यदि ईश्वर का वचन आए तो ईश्वर के वचन में तो कोई भी बुरी बात नहीं। ईश्वर का वचन हमेशा ही पवित्र है, वह अच्छा है, वह जीवनदायक है। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति हमसे ईश्वर का वचन बोल रहा है, उसके बारे में हमें समझा रहा है, वो ये व्यक्ति खुद बुरा है, इसलिए हमें उनके वचन को, उनके भाषण को, उनके प्रभाषण को सीरियसली नहीं लेना है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। एक व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, यदि वह ईश्वर का सुसमाचार अच्छी तरीके से हमें समझा रहा है, ईश्वर का वचन यदि हमें दे रहा है, तो हमें उस वचन को स्वीकार करना है और ईश्वर के वचन के अनुसार जीना है, चाहे हम इस व्यक्ति के कर्मों का अनुसरण ना करें। वो व्यक्ति जो हमें समझा रहा है, जो हमें ईश्वर का वचन दे रहा है, वो यदि बुराई में जी रहा है, यदि वह पापी है, तो हमें उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उस व्यक्ति के बुरे कर्मों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, उसके पापों को हमें अपने जीवन में नहीं करना है, दोहराना है। लेकिन उसके द्वारा जो हमें सीख मिल रही है ईश्वर के वचन के बारे में, उसे अपने जीवन में उसका अमल करना है। इसलिए हमें किसी की भी आलोचना नहीं करनी है, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे वो हमारे गुरु हो, जो हमें सीख दे रहे हैं। ईश्वर के वचन को स्वीकार करो और उनके बुरे बर्ताव पर ध्यान मत दो। उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वो भी ईश्वर की राह में आए और एक पवित्र जीवन बिताएं। उनकी आलोचना ना करते हुए उनके कारण उनके बहकावे में आकर या उनकी गलत हरकतों को देखकर उसे हम मिसाल ना माने और उसका अनुसरण ना करें। और 9वें वाक्य में प्रभु हमसे ये कहते हैं, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो बहुत से लोग हमसे बोलते हैं कि क्यों हम फिर बिशप को पिताश्री बोलते हैं और किसी को फादर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने खुद कहा है कि किसी और को फादर या पिताश्री नहीं कहना है, हमारा सिर्फ एक ही पिता है, वो है स्वर्गीय पिता। भाई और बहनों, हमें सबसे पहले समझने की बात यह है कि हमारा शारीरिक जन्म हमारे माता पिता से होता है, तो हमारे जीवन में एक पिता है जिन्होंने हमें जन्म दिया है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ पिता वो है हमारे ईश्वर, पिता ईश्वर। उन्हें अपने जीवन में हमें प्रथम स्थान देना है, यही ईसा मसीह में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने पापा को पापा ना बुलाएं, पिता ना बुलाएं, ऐसा भी नहीं है। बिशप को पिताश्री ना बुलाएं, फादर को फादर ना बुलाएं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बस पिता ईश्वर की जगह किसी और को नहीं देना है,
यही है इसका अर्थ। ईसा मसीह खुद मरियम को मां बुलाते थे और जोसेफ, जो कि शारीरिक तौर पर ईसा मसीह के पिता नहीं थे, उनके पालक पिता थे, फिर भी वह सेंट जोसेफ को आबा अर्थात पिता पापा पुकारते थे। लेकिन वह माता मरियम को और संत यूसुफ को ये याद दिलाते हैं लूकस के सुसमाचार दूसरे अध्याय के 49वें वाक्य में, जब वह मंदिर में तीसरे दिन 3 दिन के बाद अपने माता पिता को मिलते हैं, तो अपने माता पिता से ईसा मसीह कहते हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी, क्या आप ये नहीं जानते कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा। तो योसेफ को आबा पुकारने के बाद भी वह ईसा मसीह ये हमेशा जानते थे कि ईश्वर पिता ईश्वर उनके आबा हैं और वे उनके पुत्र हैं। तो उसी प्रकार हमें जीना है, हम चाहें अपने पापा को आबा कह के पुकारें, पिता कह कर पुकारें, लेकिन इसके बावजूद हमारे वास्तविक आबा पिता ईश्वर हैं। इस बात को हमेशा हमें अपने ध्यान में रखना है, और भूमि में फादर को फादर बुलाना, चर्च में जो प्रीस्ट है उन्हें फादर बुलाना, बिशप को पिताश्री कहकर पुकारना, इस वचन के खिलाफ जाना नहीं है। उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, क्योंकि वह आध्यात्मिक तौर पर हमारे पिता हैं। आध्यात्मिक जीवन में वह हमें यथार्थ पिता ईश्वर के बारे में हमें बताते हैं और उनके घर ले जाने के लिए ही हमें तैयार करते हैं। तो ज़रूर उनका आदर और सम्मान हमें करना है, लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि हमारे वास्तविक पिता हमारे शारीरिक पिता से और भूमि में जिन्हें हम पिता का स्थान देते हैं उनसे भी बढ़कर हैं, वह हमारे पिता ईश्वर हैं। यीशु मसीह जिन्हें आबा कहकर पुकारते थे, उसी पिता को हम भी आबा कहकर पुकार सकते हैं और उसके अनुसार ईसा मसीह की तरह जीने की कोशिश हम भी करें। और तीसरी बात, प्रभु हमें ये समझाते हैं कि जो अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। ईसा मसीह जो कि ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर हैं और मनुष्य भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक छोटे दास की तरह बनाया। अपने शिष्यों के पैर धोने से वे नहीं हिचकिचाए, अपने आप को उन्होंने इतना छोटा कर दिया कि उन्हें क्रूस पर टांगते हुए भी, और जब उनका इतना अपमान किया उसे सहने के लिए भी वे तैयार रहे, वो अपने आप को इतना छोटा बनाने के लिए तैयार हो गए। फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस अपने पत्र में 2:5-11 तक के इस वचन पर हमसे ये कहते हैं कि आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हां क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे ईसा का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी तथा दोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। वह सबसे दीनहीन बने, छोटे बन गए, और पिता ईश्वर ने ईसा मसीह को सर्वश्रेष्ठ बनाया। आज भी हमेशा भी उनका नाम सर्वशक्तिमान रहेगा,
उनके नाम की महिमा हमेशा गाई जाएगी। उनके नाम में हमें जीवन प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, और उससे बढ़कर कोई भी नाम नहीं है। संत पेत्रुस भी अपने पहले पत्र के 5वें अध्याय के 6वें वाक्य में हमसे ये कहते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएं। तो इसलिए हम भी स्वयं विनम्र बनने की कोशिश करें, अपने आप को बड़ा मानते हुए बड़ा बनाने की कोशिश ना करें। हम दूसरों को अपने से बड़ा माने, दूसरों का आदर और सम्मान करें। हर व्यक्ति में अच्छी बातें होती है, उसका आदर करें और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। दूसरों को छोटा ना माने, हर व्यक्ति में काबिलियत है, हर व्यक्ति श्रेष्ठ है, हर व्यक्ति में अच्छाई है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना नजर आए, हर व्यक्ति में अच्छाई होती है। उस अच्छाई के प्रति ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने आप को सबसे बेहतर सबसे श्रेष्ठ मानने की गलती ना करें। हम विनम्र बने और तभी ईश्वर हमें ऊपर उठा सकते हैं, उपयुक्त समय पर, सही समय पर प्रभु स्वयं हमें ऊपर उठाएंगे, यदि प्रभु हमारे जीवन में ये चाहते हैं। तो इसलिए हम कभी भी घमंड ना करें, किसी बात का भी घमंड ना करें, कभी भी दिखावा ना करें, सही इंसान बने, जो अंदर है वही बाहर, हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क ना रहे और हम विनम्र बनकर जिएं। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें।